जो अनौपचारिक चौथा स्तंभ होता है, यानी कि जो डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है, यानी कि चौथा स्तंभ है जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट देता है, स्तंभ है, सपोर्ट देता है नीचे से, वो है मीडिया। तो भारत का जो मीडिया कैसा मीडिया है, भारत की मीडिया की रैंक क्या है, भारत की जो मीडिया की क्या स्थिति है, भारत में मीडिया कितना स्वतंत्र है, कितना फ्री है, कितना जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है, क्या गुलाम मीडिया तो नहीं है, किसी राजनीतिक दल या सत्ता पार्टी का गुलाम तो नहीं हो गया, दास तो नहीं हो गया, पक्षपात तो नहीं कर रहा है, क्या निष्पक्ष तरीके से आपकी बात उठा पा रहा है, क्या निष्पक्ष रूप से आपकी आवाज बन पा रहा है मीडिया। क्योंकि वो मीडिया का बेसिक जर्नलिज्म जो है, मीडिया जो है उसका फंडामेंटल ही है कि लोकतंत्र की सुरक्षा करना, जनता की आवाज बनना। क्या वो मीडिया कितना स्वतंत्र है, क्या वो आपकी आवाज उठा पा रहा है, क्या आपके मुद्दों पर आपके सरोकारों से संबंधित है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कि इसके द्वारा एक ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है, प्रतिवर्ष इंडेक्स निकाला जाता है। अभी हाल ही में उसकी रिपोर्ट निकली तो भारत की जो 180 देशों में 161वीं रैंक है, यानी कि हमारा जो मीडिया 180 देशों में 161वीं रैंक पर है, यानी कि मीडिया की स्थिति सबसे खराब है। तो हमें वो मीडिया को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मीडिया कितना स्वतंत्र है, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो हम लोकतंत्र ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। और ठीक से फंक्शन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया हमारी आवाज नहीं बन पा रहा है। कितना जो है मीडिया गरीबी की बात कर रहा है, भुखमरी की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, गरीबों के मुद्दों की बात कर रहा है, तो ये मीडिया का, और क्योंकि मीडिया सवाल पूछता है, क्योंकि भारत के जो गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वो सरकार दिल्ली में बैठी है तो वो उससे सवाल नहीं पूछ सकती, या पूछ सकती तो अपने प्रतिनिधियों से पूछ सकती है, सोशल मीडिया से पूछ सकती। तो मीडिया की बहुत बड़ी भागीदारी है लोकतंत्र को सुरक्षित करने में, लोकतंत्र को बचाए रखने में, सत्ता पर सवाल पूछने में, हमारी आवाज का आवाज बनने में, जनता की आवाज बनने में मीडिया की अहम भूमिका है। तो मीडिया कितना स्वतंत्र है, लेकिन जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है उसकी जो रिपोर्ट है 180 देशों में हमारी 161वीं रैंक है, यानी कि बुरी स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो आज का जो मीडिया है ना केवल गोदी मीडिया है बल्कि दास मीडिया भी है, गुलाम है, चापलूसी कर रहा है मीडिया। तो इस तरीके से मीडिया कितना स्वतंत्र है, हम कितना स्पेस जनता के मुद्दों पर दे रहा है, कितना समय जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहा है, गरीबी की बात कर रहा है, भुखमरी की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, और साथ ही कितना जो है सत्ता जो है सत्ताधारी है, मतलब सत्ताधारी को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें इस मीडिया को भी जज करना है, देखना है, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में राइट टू लिबर्टी जो अधिकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टू स्पीक, आपका बोलने का अधिकार, आपको अभिव्यक्त करने का अधिकार हमको ये संविधान के द्वारा आर्टिकल 19 में मिला है, एक फंडामेंटल राइट है, उसको सरकार प्रोटेक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वही हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी सांस है, ऑक्सीजन है हमारा। जब आर्टिकल 19 ही छीन लिया जाएगा हम लोगों से तो वो डेमोक्रेसी नहीं बचे। कि मीडिया की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, तो मीडिया भी स्वतंत्र है कि नहीं, इस भी मुद्दों पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही ये चुनाव जो 2024 के जो आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा के चुनाव है, वो कोई विधानसभा के चुनाव नहीं है, कोई आसान चुनाव नहीं है, ये हमारे भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य के भी चुनाव है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के चुनाव है कि हमारी केंद्र की सरकार कैसी होगी, हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसा होगा।